हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बच्चों के कलर से रिलेटेड टॉपिक पे, कि जो बच्चों का रंग है उसको हम कैसे निखार सकते हैं, उसको कैसे साफ कर सकते हैं। तो इस बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कलर आता है बच्चों का वो जेनेटिक होता है। जो मदर फादर का कलर होता है वही बच्चे का कलर होता है। तो हम इसे बिल्कुल गोरा तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि अगर मतलब बच्चे कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो उसको आप बहुत कहो कि दूध जैसा हो जाए, तो वैसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये है कि हाँ, हम उसको थोड़ा क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि किस किस तरीके से हम बच्चे के जो कलर है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करें ऐसा जिससे बच्चे का जो कलर है वो क्लीन हो जाए। तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि पेस्ट बना लेना है। जो बेसन का पेस्ट है उसमें क्या क्या मिलाना है, फर्स्ट हमें तो बेसन मिलाना है, सेकंड हल्दी मिलानी है, थर्ड उसमें कच्चा दूध मिलाना है, फोर्थ उसमें ताजी मलाई मिलानी है। ये चार चीज़ें हमें मिला के बच्चे के पूरे बॉडी पे लगाना है। पूरे बॉडी पे लगाने के बाद 10 मिनट के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा सूख जाए तो उसको गीले कपड़े से हटा देना है, या फिर कॉटन से लेके उसको हटा देना है। तो आप ये जो है वीक में 2 टाइम्स कर सकते हैं। इससे आप खुद देखेंगे कि जो बच्चे का जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है उसका, वो बहुत हद तक जो है क्लीन हो गया है, वो साफ़ हो गया है। तो सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि सेकंडली हमें क्या और क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि एक पैक बना सकते हैं, जैसे चंदन का पैक होता है, वो चंदन मिला लो उसमें, वही ताजी मलाई, कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी, ये चार चीज़ें फिर मिला के ये वाला पेस्ट भी हम बच्चे पे लगा सकते हैं। हम ये या उपटन, इन दोनों में से कोई एक ही करेंगे। तो थर्ड मैं आपको बताती हूँ कि हम और कैसे कर सकते हैं बच्चे का कलर क्लीन। एक तो हमें बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जो है पानी जो है प्रॉपर वे में पिलाना है। पानी जो है उसको पानी मतलब उसको हर 2 घंटे में, मतलब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मीन्स उसे पानी, अगर जितना पानी बच्चा जितना पानी पिएगा उसकी बॉडी जो है हाइड्रेट रहेगी। इससे क्या होता है, इससे उसका कलर भी निकलेगा। लेकिन हम ये क्लियर कर दूँ कि 6 महीने के बाद ही आप जो है ये कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक तो हमें बच्चे को वैसे भी पानी नहीं देना चाहिए। तो अगर मैं अब फोर्थ उसकी बात करूँ तो क्या करना है हमें, वो ताजे फल जो होते हैं वो खिलाने चाहिए। लाइक दैट संतरा देना चाहिए हमें बच्चों को, और संतरे का जूस भी दे सकते हैं, अंगूर दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं। ये सारे जो फ्रूट्स हैं इससे भी बच्चे का कलर निकलेगा, और ये भी आप 6 महीने से बड़े बच्चे के लिए ही करेंगे। तो ये हो गया। अब मैं आपको फिफ्थ बताती हूँ कि फ्रूट्स वगैरह तो देने ही हैं, अब मैं आपको फिफ्थ बताती हूँ क्या करना है हमें बच्चे को। जितना भी हो जो हाथ साबुन होता है उससे जो है दूर रखना है हमें बच्चे को, जो है वो सॉफ्ट वाला, जो जिसमें केमिकल फ्री जो सोप होते हैं वो यूज़ करना चाहिए बच्चे के लिए। तो मैं यही करूँगी कि आप 2 बार अगर उपटन कर रहे हैं तो 3 या 4 बार जो है बच्चे वीक में जितने डे बचे उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे सोप। और वो भी जो है ऐसा सोप यूज़ करना है, जैसे कि मैं अपना बता दूँ कि मैं जो है द मॉम्स को का यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत सही सोप है, मुझे तो सही लगा है। मॉम्स सोप क्या बॉडी वॉश है, मैं रिकमेंड करूँगी बॉडी वॉश ही यूज़ करें आप कंपेरिजन टू सोप। तो अब ये बात हो गई कि सोप जो है, सोप को हमें जो केमिकल वाला नहीं यूज़ करना है, हार्श वाला नहीं यूज़ करना है, सॉफ्ट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों की मसाज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल से मसाज करना भी, उससे भी बच्चे का रंग निखरता है। और जो मसाज है हमें किस ऑयल से करनी चाहिए, हमें नारियल के तेल से या जैतून के तेल से, इन 2 ऑयलों से हमें मसाज करनी चाहिए। इससे बच्चों का जो रंग है वो निखरता है। और अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें, उससे बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है और क्लियर होता है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ सेवन्थ के हमें क्या करना है। हमें जो है बच्चों का ध्यान रखना है कि बाथ के बाद उन्हें मॉइस्चराइज़र जरूर देना है। मॉइस्चराइज़र देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉइस्चराइज़र से भी क्या होता है, बच्चे का कलर जो है निखरता है। इससे बच्चे का क्या रहता है कि बॉडी जो है वो जो है सॉफ्ट रहती है, उस पर जैसे कि बहुत सॉफ्ट रहती है। मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र क्या करता है, बेबी की जो स्किन होती है उसको सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। और ये मॉइस्चराइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी की स्किन को। सो मॉइस्चराइज़र 2 टाइम हमें लगाना ही चाहिए बेबी की स्किन पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या करना है हमें बेबी को जो है धूप देनी है। धूप जो है 10 बजे से पहले की हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा रहता है।
पहले क्या पहले ही होनी चाहिए, 10 बजे से पहले की होनी चाहिए। और आप कोशिश करें, क्योंकि आजकल तो गर्मी है, 6:30-7 बजे धूप आ ही जाती है, तो उस टाइम पर अगर बच्चे को 20 मिनट्स या फिर आधे घंटे तक अगर आप धूप देंगी तो वो उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे बहुत बीमारियां जो है वो नहीं होती है, विटामिन डी मिलता है बच्चे को, ऊर्जा मिलती है। इससे क्या, विटामिन डी से क्या होता है कि बच्चों को जो है बीमारियाँ नहीं होती है, बहुत कम बीमारियाँ होती है स्किन की, तो स्किन की बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। तो हमें वो भी करना चाहिए, विटामिन डी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे हम धूप देंगे बच्चे को, धूप देने के आधे घंटे बाद बच्चे को बाथ देना है। बाथ जो है हमें गुनगुने पानी से देना है, गुनगुने पानी से बाथ देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे की स्किन जो है सॉफ्ट ही रहती है, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडे पानी से देंगे तो वो सॉफ्टनेस को ले लेता है, और अगर ज़्यादा गर्म पानी से देंगे तो वो भी सॉफ्टनेस खींच लेता है। इससे उनकी जो त्वचा होती है वो रूखी रूखी हो जाती है, तो हमें जो है गुनगुने पानी से ही उनको बाथ देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स आप इन 8 जो है बातों का ध्यान रखोगे तो क्या होगा, इससे बच्चे की जो स्किन है वो अच्छी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, और आपके बच्चे का कलर भी क्लीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।